रब्बे कायनात नासर अली कुरैशी साहब हालैंड ने उन्हें सेहत कामिल वाजिल अता फरमाए। खालिक अकबर सैयद मुश्तबा हैदर रिजवी आफ कतर परेशान ने मौला उन्होंने परेशानियाँ दूर फरमा। सुना है शाम में जाते ही खून रोने लगा, सुना है शाम में जाते ही खून रोने लगा, न जाने शिमर ने उस वक्त क्या कहा होगा। ये सोचता हूँ कि आबिद का हाल क्या होगा। मोमिनीन ऐलान समाज फरमा लो मौज़ा बनी 17 रजब नज से जाम नकद होगी जिद पढ़ने वाले ने जाकर अली रता 10 बजे खता फरमान दे इकबाल शाह बजाड़ वाला 11 तो 12 अलामा अली नासर अल हुसैनी अफ्तलाड़ा 12 तो 1 और जाकर नजमुल हसन शराजी 1 तो 2 बजे खता फरमान गए। 15 रजब छोकर कला मलसेज़ा मुनक़द अवे जी सालाना जिद पढ़ने वाले ने अलामा अली नासर अल हुसैनी आफ्तर हाड़ा जाकर हबीब रजावानी की तारण जाकर एजाज हसैन जंडवी अलामा जमीरुल हसन हीरापुर जनाब जैगम मुश्तबाई आफ लाहौर जाकर गुलाम बा सदफी और दीगर उलमा जाकरीन खता फरमान गए। कल तो गुजारिश है तमाम मोमिनीन के कल आखिरी दिन ने अय्याम फातमिया दा खमसा मजालस दा कल 9 जनवरी इंशाल्लाह 6:30 बजे ठीक मजलिस-ए-ज़ा शुरू हो जाएगी और 6:30 बजे आलमी शोहरत याफ्ता नोआ खान मनकबत खां मीर सजाद मीर पढ़नगे और ठीक 7 बजे कामरान बीए साहब ठीक 8 बजे सैयद ज़ैगम अब्बास बूटे शाह और 9 बजे इंशाल्लाह अली नासर अल हुसैनी आफ्तर हड़ा खता फरमान गए। पाबंदी वक्त का कल जरूर ख्याल रखियो। अख्तताम ते ताबूते सैयदा फातिमा तुज़ारा मस्तूरात विच बरामद होगा और आलमी शोहरत याफ्ता नोआ खान काजमी बरादरान जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा वो नोआ खानी फरमान गए। एक जश्न का ऐलान 31 जनवरी 9 रजब न मल्ला कादराबाद लाला मूसा नज़द वापटा दफ्तर जश्न मुनक़द होगा। पढ़ने वाले ने अल्लामा शाहिद अब्बास सियालकोट जाकर गुलाम अब्बास रतन गुलाम अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा कुमी और दीगर उलमा ज़ाकरीन खता फरमान गए। शाह साहब दे भाई इफ्तार सर शाह साहब बीमार ने खालके अकबर के इस्तदाए मौलाए कायनात सदका मोहम्मद ओ आले मोहम्मद दा उन्होंने शिफाए कामला ओ आजला अता फरमान। मैं बिला तखीर दावत दे रहा जनाब शायर आले इमरान शौकत रजा शौकत साहब दे भाई जनाब हशमत रजा बहलौल साहब के वह अपनी ड्यूटी अदा कर। नारा तकबीर नारा रिसालत नारा हैदरी इंशाल्लाह इन बाद अल्लामा मूसा हैदर जाजी साहब भी पहुँच गए और जाकर अबीब रजा हैदरी आफनी की तार वो भी इंशाल्लाह फजाइल में साहिब आले मोहम्मद बयान फरमान गए। खालिक ने जब खलक के मैयार बनाए, खालिक ने जब खलक के मैयार बनाए, जो ज़र्फ कुशादा थे वो सरदार बनाए और सरदारों में भी कुछ साहिब अनवार बनाए, अनवार तराशे तो अज़ादार बनाए। अब जो मेरे मौला का अज़ादार नहीं है, अब जो मेरे मौला का अज़ादार नहीं है, खुद से कभी पूछे क्या वो बेकार नहीं है। तमाम मोमिनीन जड़े बार खड़े हो मेहरबानी करके इमाम बारगाह के अंदर तशरीफ लाओ। बराए खुशनुदी मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बुलंदर सलावात। हाँ ठीक है। दरूद बार मोहम्मद आले मोहम्मद। नारा तकबीर नारा रिसालत नारा हैदरी हैदरी हुसैनियत यजीदियत
درود بر محمد و آل محمد. اصولی طور پہ تو یہ ذاکری کا قاعدہ اور قانون ہی نہیں ہے. میں تو وہاں آیا ہوا تھا حاضری دینے کے لیے, تو محمود شاہ صاحب سے میرا کوئی 40 سال کا تعلق ہے. قطر ہم اکٹھے رہے ہیں کافی دیر. اس وقت میں پاور پلانٹ میں جاب کرتا تھا. شعر کہنا تو خیر بہت پہلے سے, میں ابھی 7ویں میں پڑھتا تھا. میرا پہلا نوا حلقے میں پڑھا گیا 1971 میں, اور یہ مولا کا کرم ہے. تو ان سے میں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں, جب آ رہا ہوں تو 5 منٹ پڑھوں گا ابھی. میں نے آخیا نیاز بلا شک نہ دینا. کہنے ہوں تینوں بھی نیاز دینی ہے. درود بابا بلند پڑھے. میرا لالا موسیٰ میں یہ پہلا موقع ہے. میں کبھی ممبر پہ حاضری نہیں ہوئی. میرا مزاج یہ ہے کہ جب بھی میں بات شروع کرتا ہوں سرکار عمران سے کرتا ہوں. چار مصرے وہ سن لو. ایک مشکل ترین نظم جو میری اس میں سب سے مشکل نظم ہے وہ میں آج پڑھوں گا. لوگ تعارف کے وقت میں آسان چیزیں پڑھتے ہیں, میں مشکل پڑھوں گا. مشکل کو شاہ جانے, آپ جانے, آپ کا معیار جانے. مجھے بتایا گیا کہ شعر بہت اچھا سنا جاتا ہے, اس لیے مشکل نظم سن کے لایا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں راہ الفت پہ چل رہا ہوں, اسی پہ ہر دم اٹل رہا ہوں. میں راہ الفت پہ چل رہا ہوں, اسی پہ ہر دم اٹل رہا ہوں. وہ جس نے میرا رسول پالا, اسی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں. بہت سارا تھوڑے جہ اگر ادھر ہو جاؤ, اس پلر کے پیچھے جڑے بندے بیٹھے نے, تھوڑا جہا بلا فصل ہو جاؤ. آ جاؤ آ جاؤ, مہربانی کرے تھوڑا سا. میں زیارت نہیں کر پا رہا. مہربانی مہربانی. میں حاضر میں حاضر. میں محمود شاہ جی کا شکر گزار ہوں, ان کے وسیلے سے آپ لوگوں کی زیارت نصیب ہوئی. زندگی کا کوئی پتہ نہیں. بڑی بے وفا شاہ ہے جی عمر جو ہے. میں راہ الفت پہ چل رہا ہوں, اسی پہ ہر دم اٹل رہا ہوں. وہ جس نے میرا رسول پالا, چلیں اسی پہ کرتے ہیں. جو دعویٰ تمہارا ہے وہ عملاً بھی دکھاؤ. میں آپ کی محبت دیکھتے ہوئے پڑھا ہے, ورنہ میں آگے بڑھ جاتا. جو دعویٰ تمہارا ہے وہ عملاً بھی دکھاؤ. آؤ ذرا سنت کے تقاضے بھی نبھاؤ. سنت کا قانون یہ ہے, جو سنت کا قانون یہ ہے, جو رسول نے کیا وہ آپ کو کرنا ہے. نہیں کیا تو سنت کا دعویٰ آپ کا جھوٹا ہے. میں ہاتھ باندھ کے, جو دعویٰ تمہارا ہے وہ عملاً بھی دکھاؤ. آؤ ذرا سنت کے تقاضے بھی نبھاؤ. یا مانو محمد کے نکاح خان کو مومن, یا تم بھی نکاح پھر کسی کافر سے پڑھا. یا مانو محمد کے نکاح خان کو مومن, یا تم بھی نکاح پھر کسی کافر سے. محمد جب پلٹ آئے علی سے گفتگو کر کے, محمد گئے تھے اللہ سے ملنے, محمد زمین پہ آئی اللہ کو منوانے. توحید سے زیادہ قریب اور کوئی نہیں ہے. دونوں علی محمد کے قریبی.
بار تو میں کہہ رہا ہوں کہ محمد مطمئن ہو گیا کہ میں جس سے ملنا تھا مل لیا. محمد جب پلٹ آئے علی سے گفتگو کر کے, تمہیں پھر کیا ضرورت ہے خدا کی جستجو کر کے. محمد دو خوبصورت لوگ پڑھنے والے میرے بعد جو دونوں میرے پسندیدہ ہیں, ایک تو آ گئے حبیب رضا بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے جہاد ہے کیسے ہیں ٹھیک ہے مہربانی قبلہ آ گئے, زیادہ لمبا نہیں کروں گا لیکن پڑھوں گا ضرور. محمد جب پلٹ آئے علی سے گفتگو کر کے, تمہیں پھر کیا ضرورت ہے خدا کی جستجو کر کے. علی کی کیا حقیقت ہے, کھلے گا راز محشر میں, علی مولا کو دیکھیں گے خدا کے روبرو کر. علی 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 مولا کو دیکھیں گے خدا کے روبرو کر کے. اور جب تلک, جلدی جلدی سنتے جاؤ میں تاکہ سفر کر سکوں, جب تلک شبیر تیرا در کھلا رہ جائے گا. پانچ سات دس منٹ کی زحمت معاف کیجیے گا, آپ کے انتظار کی زحمت. جب تلک میرے بھائی ہیں بہت زیادہ پیار ہے, اکٹھے پڑھتے رہے ہیں, گفے بھی بڑی یادگار محفلیں ہماری ہیں. جب تلک شبیر تیرا در کھلا رہ جائے گا, جب تلک شبیر تیرا در کھلا رہ جائے گا, ہوگا کیا, عبد کا معبود سے ایک سلسلہ رہ جائے گا. جب جب تلک شبیر تیرا در کھلا رہ جائے گا, عبد کا معبود سے ایک سلسلہ. چوتھی سطر دعا, جب تلک شبیر تیرا در کھلا رہ جائے گا, عبد کا معبود سے ایک سلسلہ رہ جائے گا, اور فقط ایک رات کی مہلت ہے بس تیرے لیے. اور فقط ایک رات کی مہلت ہے بس تیرے لیے, نہ ہوا اگر فیصلہ تو فاصلہ رہ جائے گا. نہ ہوا اگر فیصلہ, فیصلہ اور فاصلہ, نہ ہوا اگر فیصلہ فاصلہ رہ جائے گا, کھویا ہے کچھ ایسا تو سقیفے کے نشے میں. سقیفے کے, میں نے ابھی بات شروع نہیں کی, مولانا سے ہاتھ باندھ لوں گا, محمود شاہ جی سے بھی ہاتھ باندھ, میں روز تھوڑی آتا ہوں. کھویا ہے کچھ ایسا تو سقیفے کے نشے میں, اللہ کی عدالت کا تجھے ہوش نہیں ہے. جن کے ہاں اصول, جن کے ہاں اصول دین میں عدل نہیں ہے. کھویا ہے کچھ ایسا تو سقیفے کے نشے میں, اللہ کی عدالت کا تجھے ہوش نہیں ہے, کیوں منکر شبیر وہ مانے تیرا سجدہ, ارے عادل ہے وہ احسان فراموش. جیتے رہے آپ, ہائے ہائے, عادل ہے وہ. عادل ہے وہ احسان, عادل ہے وہ احسان فراموش نہیں ہے. سر کو توحید کے سجدے میں جو خم رکھتا ہے, میں آگے جا رہا ہوں, بس یہ چار پانچ شعر سن لیں, مجھے جو پڑھنا ہے وہ پڑھوں گا پانچ سات منٹ کی اور. سر کو توحید کے سجدے میں جو خم رکھتا ہے, سر کو توحید بولا نہیں ہوں میں, ہاں, سر کو توحید کے سجدے میں جو خم رکھتا ہے, وہ تو شبیر ہے خالق کا بھرم رکھتا ہے.
ਸਰ ਸਰ ਕੋ अच्छा एक बात मुझे बताएं, ये लाला मुसम में पहली मरतबा यहाँ नारे का रिवाज भी है कहीं पे? आपने रास्ता समझा, सर को तौहीद के सजदे में जो खम रखता है, जल्दी जल्दी सुन ले, मैं थोड़ा सा और पढ़ना है। सर को तौहीद के सजदे में जो खम रखता है वो तो शब्बीर है, खालिक का भरम रखता है, और अर्श वाले तो मौला ही उसे कहते हैं, अर्श वाले तो मौला ही उसे कहते हैं, जिस जगह भी मेरा शब्बीर कदम रख। अर्श 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 वाले, जमीन वाले नहीं, अर्श वाले। अर्श अर्श वाले तो मौला राजी रामना। बहुत खूबसूरत टाइम हमारा गुजरा है, रोज रात को नया नोहा लिखते थे, तैयार करते थे, अगले दिन पढ़ा जाता था, ये हमारे साथ होते थे। अर्श वाले तो मौला ही उसे कहते हैं, जिस जगह भी मेरा शब्बीर कदम। एक अलफ नाम भी मलम है, दुख दर्द को कहते हैं, ऐन नाम आलम है, मालकों की निशानी को कहते हैं। ये दोनों देन मेरे आप दुआ दे देंगे। घर में हो रंजो आलम उसके ये मुमकिन ही नहीं, किसके घर में हो रंजो आलम उसके ये मुमकिन ही नहीं, वो बशर छत पे जो गाजी का आलम, वो बशर छत पे। जल्दी जल्दी सुनते जाओ, जल्दी जल्दी सुनते जाओ, किसी का जो है ना जाम ना लबरेज हो जाए। वो बशर छत पे जो गाजी किबला शेर सर उठा के सुनेगा, गाजी का आलम रखता है, और हुर्रो फुत्रस की कहानी तो कहानी है फकत, हुर्रो फुत्रस की कहानी तो कहानी है फकत। अरे मेरा शब्बीर तो खालिक पे करम रखता है। आपने भी बैठा रहना है। होरो फुत्रस की कहानी तो कहानी है फकत, मेरा शब्बीर तो खालिक पे करम रखता है, भरम रखता है। ये काफी चलते आ रहे हैं, मेरा शब्बीर तो खालिक पे करम रखे। एक लफ्ज है सम, अरबी जबान का लफ्ज है, जहर को कहते हैं सम, जहर, मसमूम, जहरीला, या जिसे जहर दिया गया हो। किबला बैठे हैं पूछ लीजिएगा, दोनों मानों में आता है, मसमूम जिसे जहर दिया गया हो या जहरीला सम। अब मैं वहां से आया, किसी ने कुछ रोका, किबला किबला किबला, सादात मेरे इज्जत कर रहे हैं, एहतराम कर रहे हैं, किस वजह से? हुसैनियत के हवाले से। अगर मैं हुसैनियत के साथ मुखलिस नहीं हूं तो मुझ पर लानत नहीं है? हाय हाय हाय, बात मैंने समझा दी, काफी ज़हन में आया। आज वाइज ने है जिस जिक्र से मनसब पाया, आज वाइज ने है जिस जिक्र से मनसब पाया, कितना मसमूम है उस जिक्र में सम रखता है। आज आज वाइज ने है जिस जिक्र से मनसब पाया, कितना मसमूम है उस जिक्र में सम रखता है। सनम महबूब को भी कहते हैं, सनम बुत को भी कहते हैं, शेर समझ आए तो जहां तेरह नजर बन जाएगी। कितना मसमूम है उस जिक्र में सम रखता है, जिस मकाम में कभी बसते थे सनम दुनिया के, जिस मकाम में कभी बसते थे सनम दुनिया के, अब उसी घर में खुदा अपना सनम रख। अब उसी घर में खुदा अपना सनम रखता है। उसने कहा था अपना, इकबाल ने कहा, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं, लोह कलम मेरे कैसे हैं, मैं साबित कर रहा हूं। वाह, अब उसी घर में खुदा अपना सनम रखता है,
जिसको बहलोल अता हजरत कायम कर दें, जिसको बहलोल अता हजरत कायम कर दें। कब कलम रखता है? वो लोहो कलम रखता है। कब? जिसको बहलोल अता हजरत कायम कर दे। कापी तो मैं भी खोल रहा हूं। जिसको बहलोल अता हजरत कायम कर दे। कब सनम रखता है वो, कब कलम रखता है वो लोहो कलम रखता है। दुरूद पढ़े आवाज है बुलंद। एक ऐसी मखदूमा जो कनीज है और हसनैन उसे माँ कहते हैं, उसके चार पांच बंद सुनाने लगा। ये ऐसे मौजू है जिसपे फजैल नहीं कही जाते, ना ही पढ़े जाते, ना सुने जाते। जिस वक्त की महमूद शाह साहब से मेरी बात हुई, उस वक्त मैंने फैसला कर लिया कि ये जिक्र करना है। अब आप मुश्किल से सुने, आसानी से सुने, आप दाद देना। असूली तौर पे जो जाकरी का कानून है, यहाँ पे मुझे छोड़ देना चाहिए था कि मैंने दाद ले लिया है, लेकिन चूंकि मैं वहां से नियत करके आया था तो मैं हबश की मलका को नाराज नहीं करना चाहता। कितना मुझे आपसे खसूसी दुआ लेने, थोड़ा सा आगे बढ़े आप, यहाँ मेरे करीब आ जाए, बिला फसल हो जाए, यानी कि बोला आपको दिल है बस बिल्कुल बिला तमहीद। मैं आप पे बहुत राजी खड़ा हूँ जनाब सैयद, करोड़ों अजादार आपको नसीब करे, आपकी नस्लों में अजादार रहे और ऐसे अजादार हों के मालिक कहें हाँ ये हमारे अजादार हैं, दुनियादारी निकल जाए। अब जो जितना समझ आए, जो दुआ दे ना दे, मैं अपना पढ़ के चला जाऊंगा। महमूद शाह जी दुआ में याद रखना कि दिल है कि आज फर्ज निराला अदा करूं, दिल है कि आज फर्ज निराला अदा करूं, फिजा फलक मकाम की पल पल सना करूं। आए है फिजा फिजा फलक मकाम, भाई ये आम बता दे सा सोना नहीं है। मैं मुश्किल काम शुरू कर बैठा हूँ, मुश्किल कुछ आके आसरे पे। दिल है कि आज फल निराला अदा करूं, फिजा फलक मकाम की पल पल सना करूं, ये काम है खुदा का मैं कैसे भला करूं। ये काम है, ये काम है खुदा का मैं कैसे भला करूं, बस आज तो खुदा से यही इल्तजा करूं। मुझे फिजा लिखना है, किबला सार उठाइएगा, मुझे फिजा लिखना है। बड़ी अजीब चीज मांग रहा हूं, आज तक जाकरी में ये बात हुई नहीं है। बस आज तो खुदा से यही इल्तजा करूं, क्या खालिक तेरे करम का मुझे साथ चाहिए। खालिक तेरे, फिजा लिखना है मुझे, हाथ से लिखना है ना, खालिक तेरे करम का मुझे साथ चाहिए, जो था नबी के हाथ में वो हाथ चाहिए। खालिक खालिक तेरे करम का मुझे साथ चाहिए, जो था नबी के हाथ में। फिजा लिखने के लिए बस, जो था नबी के हाथ में वो हाथ चाहिए, मुझ पे खुले जो कुन के इशारे तो कुछ कहूं, आपकी मर्जी है, मुझ पे खुले जो कुन के इशारे तो कुछ कहूं, फिजा मेरा नसीब संवारे तो कुछ कहूं। मुझ पे खुले जो कुन के इशारे, यार ये बातें भी सुना करो, ये कहा मुशायरों में जाकर सुनाऊं या कराची जाऊं, मुझ पे खुले जो कुन के इशारे तो कुछ कहूं, फिजा मेरा नसीब संवारे तो कुछ कहूं, मुझ पे खुदा कुरान उतारे तो कुछ, मुझ पे खुदा कुरान उतारे तो कुछ कहूं, 14 मिले जो मुझको सहारे तो कुछ कहूं, दुनिया में जो खुदा के ही कायम मकाम है, करते वो तेरी जात को फिजा सलाम। दुनिया दुनिया में जो खुदा के ही कायम मकाम है, करते वो तेरी जात को, जल्दी जल्दी दो या तीन बात मैं छोड़ दिया, फिजा सलाम है इसको रसूल हक से जो खिदमत अता हुई, फिजा को इसको रसूल, आप शेर बहुत अच्छा सुन रहे हैं और बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं, इसको रसूल हक से जो खिदमत अता हुई थी, फर्श पे फलक की हुकूमत अता हुई, इसको 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 रसूल हक से जो, ठीक है ठीक है, खिदमत अता हुई इसी तरह ठीक है,
थी फर्श पे फलक की हकूमत अता हुई, खिदमत के लफ्ज को भी वो इज्जत अता हुई, एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ किबला दुआ उसकी, खिदमत के लफ्ज को भी वो इज्जत अता हुई, फिजा को फातिमैन से निस्बत अता हुई, ओए होए फातिमैन किबला, ओए होए एक फातिमा नहीं दो फातिमा, फिजा फिजा को फातिमैन से निस्बत अता हुई, इस वास्ते खुदा और नबी को अजीज है, इस वास्ते खुदा और नबी को अजीज है, दुनिया में सैयदा की ये पहली करी। दुनिया 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 में बस दो बंद, एक मसाहब का बंद, याली याली दुनिया में राजी रहना, मैं अगर ज्यादा पढ़ गया तो माफ करना महमूद साहब, आप भी माफ करना किबला, दुनिया में सैयदा की ये पहली कनीज है, तौहीद के वकार की तौकीर बन गई, वकार तौकीर, अब मैं समझाने जाऊं, तौहीद के वही बात है शौकत साहब कहा करते हैं कि उर्दू पढ़ने आया हूं मैं, सुनाने आया हूं पढ़ाने नहीं आया, तौहीद के वकार की तौकीर बन गई, अनवार किरदगार की तनवीर बन गई, कुदरत नगर में साहिब तकदीर बन गई, हाय हाय किबला कुदरत नगर की, कुदरत नगर में साहिब तकदीर बन गई, तत्हीर कह रही है कि तत्हीर बन गई, तत्हीर जिसकी फिजा की जिंदगी पे नजर है वो मुझे दुआ देगा, तत्हीर कह रही है कि तत्हीर बन गई, धरती पे कुन के राज निहां खोलने लगी, धरती किबला देखिएगा, धरती पे कुन के राज निहां खोलने लगी, आयात किबरिया की जबा बोलने लगी, धरती में ये पूरा वाक्य है, इसमें जबा बोलती रही बोलने लगी, बस खत्म, रहमान के करम के करीने में आ गई, रहमान के करम के करीने में आ गई, सिदरा मिजाज बैत के जीने में आ गई, आए हाय बैत सिदरा मिजाज जीना, रहमान के करम के करीने में आ गई, सिदरा मिजाज बैत के जीने में आ गई, इस्मत के बेमिसाल सफीने में, इस्मत के बे बोलोगे तो सही आप, आपकी मर्जी है, इस्मत के बेमिसाल सफीने में आ गई, शाही को छोड़ के जो मदीने में, शाही को छोड़ के जो मदीने में, फिर हुआ क्या, फिर हुआ क्या, शाही को छोड़ के जो मदीने में आ गई, हुआ क्या, फिजा को मिल गई है विजारत बतूल की, हाय हाय फिजा को मिल गई है विजारत बतूल की, अरे करती रही है रोज जियारत बतूल करती, बस आखिरी छह मिस्र यही मसाहब है किबला पड़ेंगे, करती रही है रोज जियारत बतूल की, यूं बार सैयदा का उठाती रही है, ये किबला एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, यूं बार सैयदा का उठाती रही है ये, पर्दा बतूलियत का बनाती रही है ये, ओए होए होए बतूलियत किबला, यूं बार सैयदा का किसको सुनाने जाऊं ये बात, यूं बार सैयदा का उठाती रही है ये, पर्दा बतूलियत का बतूलियत का बनाती रही है ये, दुख दर्द में भी साथ निभाती रही है ये, दर पे लगी जो आग बुझाती रही, दर पे लगी जो आग बुझाती, बस आखिरी शेर राजी रहने, एक लफ्ज भी नहीं कह रहा, दर पे लगी जो आग बुझाती रही है ये, सांसों में यूं बसा गई हर गम बतूल का, सांसों में यूं बसा गई हर गम बतूल का, अरे फिजा के अश्क बन गए मरहम बतूल का, सांसों में यूं बसा गई हर गम बतूल का, फिजा के अश्क बन गए मरहम बतूल का, राजी रहें।